उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस के हाथों मिली हार के बाद अब बीजेपी के हारे जीते उम्मीदवारों ने संगठन को रिपोर्ट देनी शुरू कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 12 से ज्यादा प्रत्याशियों ने पार्टी हाईकमान को रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट भीतरघात के आघात से रंगी हुई है। इस रिपोर्ट में आस्तीन के सांप और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल है। हारे केंद्रीय मंत्रियों ने भी हार का ठीकरा पार्टी के नेताओं पर फोड़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को यूपी में आश्चर्यजनक तौर से करीब आधी सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। 7 केंद्रीय मंत्रियों तक को हार का सामना करना पड़ा। खबरें कहती हैं अब तक की पड़ताल में यही सामने आया कि टिकट वितरण की खामियों की वजह से ही भाजपा की ऐसी गति हुई है। तमाम ऐसे सांसद हैं जिनके खिलाफ माहौल को देखते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनको टिकट नहीं देने की गुजारिश की थी, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज कर प्रत्याशी थोप दिए गए। लिहाजा नाराज पार्टी कार्यकर्ता भी घर बैठ गए, जिसका परिणाम सामने है। देखा जाए तो टिकट बंटवारे को लेकर ही कई सीटों पर भीतरघात की आग सुलगने लगी थी, लेकिन प्रदेश संगठन इसको दबाता रहा। ये बात ऊपर पहुंचाने के बजाय भीतरघात की बात को नकारा जाता रहा, लिहाजा इसका साइड इफेक्ट अब सामने आ रहा है। पार्टी का प्रदेश संगठन अंदर ही अंदर उबल रहा है। जिन बड़े चेहरों को हार मिली, उन्होंने भी पार्टी नेताओं पर हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया। उन्नाव से लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करने वाले साक्षी महाराज ने इस बार जीत का अंतर कम होने के पीछे भीतरघात को जिम्मेदार कहा है। उन्होंने कहा है, पार्टी के अंदर काम करने वाले कुछ गद्दारों और आस्तीन के सांपों की वजह से वोट कम हुए हैं। केंद्रीय मंत्री रही साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है, फतेहपुर में उनकी हार का कारण पार्टी के अंदर कुछ लोगों की भीतरघात है। मिर्जापुर लोकसभा सीट से तीसरी बार जीत हासिल करने के बाद अनुप्रिया पटेल के करीबी लोगों का कहना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अंदर ही अंदर सीट हराने की कोशिश करते रहे, वो सिर्फ बाहर से ही साथ रहे। मोहनलालगंज सीट पर पराजित केंद्रीय राज्य मंत्री रहे कौशल किशोर भी पार्टी कार्यकर्ताओं पर उनके खिलाफ काम करने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व को जानकारी दे दी है। बीजेपी के रामपुर से उम्मीदवार रहे घनश्याम सिंह लोधी ने अपनी हार के लिए मुख्य रूप से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पार्टी संगठन को उनके बारे में सूचित कर दिया गया है, पार्टी ही नहीं मैं भी हार की समीक्षा कर रहा हूं। श्रावस्ती सीट पर भी स्थानीय पार्टी नेताओं ने एक पूर्व सांसद और प्रभावशाली बीजेपी नेता पर भीतरघात का आरोप लगाया। कहा, उन्होंने ब्राह्मणों और कुर्मियों सहित पार्टी के कोर वोटर से पार्टी के खिलाफ वोट कराया, इससे साकेत मिश्रा को हार का सामना करना पड़ा। लालगंज सीट से हारने वाली बीजेपी उम्मीदवार नीलम सोनकर ने भी अपनी हार के लिए स्थानीय पार्टी पदाधिकारियों के भीतरघात को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन को पता है कि कुछ नेताओं ने सपा उम्मीदवार की मदद की थी। गाजियाबाद की लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि पार्टी भीतरघात की वजह से ही वो हारे हैं। उनका कहना है, कुछ लोगों ने भीतरघात किया, रणनीति के तहत बीजेपी को हराया। कई सीटों पर भीतरघात के आरोप लगे हैं। मेरठ से जीतने वाले अरुण गोविल तो चुनाव बाद ही इशारों में अपने खिलाफ साजिश की बात कहते हैं। वहीं मुजफ्फरनगर सीट पर प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और बीजेपी विधायक संगीत सोम के बीच सियासी जंग जग जाहिर है। बांदा के प्रत्याशी आरके पटेल के अलावा बस्ती बाराबंकी फैजाबाद सुल्तानपुर इलाहाबाद कौशाम्बी बदायूं और सीतापुर में भीतरघात के आरोप लगे हैं। खीरी मुजफ्फरनगर और फतेहपुर जैसी सीटों पर स्थानीय विधायकों और पदाधिकारियों पर व्यक्तिगत या स्थानीय कारणों से उम्मीदवारों के प्रचार के लिए बाहर नहीं निकलने का आरोप लगाया गया। चुनाव बाद जिस तरह से पार्टी में भीतरघात की बातें सामने आ रही हैं, उसको लेकर संगठन पर सवाल उठ रहे हैं। जौनपुर मछली शहर भदोही फिरोजाबाद मैनपुरी लालगंज सीतापुर बस्ती चंदौली फैजाबाद समेत करीब 36 सांसदों का टिकट काटने की संस्तुति राज्य स्तर से की गई थी, पर हाईकमान ने उसमें से 24 लोगों को दोबारा टिकट दे दिया, जो यूपी में बीजेपी का संख्या बल घटाने में बड़ा कारण साबित हुआ। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर किसके कहने पर राज्य स्तर की संस्तुति को दरकिनार कर टिकटों का वितरण किया गया? किस एजेंसी के सर्वे को ढाल बनाकर जनता की नापसंद वाले सांसदों को टिकट दिया गया? आमतौर पर भीतरघात के आरोपों को खारिज करने वाले भाजपा हाईकमान के पास हर सीटों से भीतरघात की रिपोर्ट है। चुनाव परिणाम आने के बाद से तमाम लोगों ने पार्टी हाईकमान के साथ ही मुख्यमंत्री को भी अपनी अपनी सीटों की रिपोर्ट दे दी। सूत्रों का कहना है, शुक्रवार को एनडीए की बैठक से पहले बीजेपी हाईकमान ने भीतरघात की शिकायतों को लेकर गंभीरता से बातचीत की। बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक चली बैठक के बाद हाईकमान ने प्रदेश संगठन से भीतरघात करने वालों को चिन्हित कर रिपोर्ट मांगी है। इस आधार पर संगठन ने प्रदेश के एक एक बूथ की रिपोर्ट मांगी, साथ ही सभी हारे हुए प्रत्याशियों और जीते सांसदों से भी एक एक सीट पर बूथवार रिपोर्ट मांगी गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।